दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद आतिशी पहुंची है कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर। और देखिए आम आदमी पार्टी के जीवन में जब भी कोई ऐसे पल आते हैं, महत्वपूर्ण पल, तो आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो हनुमान जी को जरूर याद करते हैं, संकट मोचक हनुमान को। तो यहाँ पर भी जो आतिशी हैं वो दर्शन करने पहुंची हैं, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे कनॉट प्लेस से। अब उन्होंने दर्शन कर क्या मांगा तो ये उनसे जरूर पूछेंगे। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पहले बार मुख्यमंत्री बनने के बाद हनुमान मंदिर पहुंची हैं दर्शन करने के लिए। आतिशी से बात करेंगे। आतिशी जी, क्या मांगा भगवान से? आज मैंने कनॉट प्लेस के इस प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन किए। हनुमान जी हमारे संकट मोचन रहे हैं। पिछले 2 साल में आम आदमी पार्टी पर, दिल्ली सरकार पर, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी पर हर तरह के हमले हुए हमारे दुश्मनों द्वारा। उन्होंने कोशिश करी कि हमें तोड़ दें, हमें दबा दें, हमें चुप करा दें, दिल्ली वालों के काम रोक दें, लेकिन हनुमान जी ने हर संकट में आम आदमी पार्टी की रक्षा करी, अरविंद केजरीवाल जी की रक्षा करी, दिल्ली सरकार की रक्षा करी और दिल्ली वालों की रक्षा करी। तो आज हनुमान जी से मैंने एक ही चीज़ मांगी है कि जिस तरह से उनका आशीर्वाद हमेशा हम पे बना रहा है, वैसे ही बना रहे, हम उनके आशीर्वाद के साथ दिल्ली वालों के काम करते रहें और उनके आशीर्वाद के साथ आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए। कल दफ्तर संभालते ही आप पर बीजेपी हमलावर हो गई और कह रहे हैं कि उसी का अपमान किया है। ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की एक रिपोर्ट आई है कि दिल्ली सैंपल लिए गए पानी के 25% पानी खारा पाया गया, जो कि कहीं ना कहीं उसको हम जरूर देखेंगे। तो देखिए आतिशी जो हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि पहुंची हैं कनॉट प्लेस मंदिर और अब देखिए यहां से दर्शन करके जा रही हैं। और साफ तौर पे कहा कि हनुमान जी संकट मोचक हैं, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने भी अपने संकटों को हरने के लिए भगवान हनुमान से प्रार्थना की है। और इससे पहले भी आपने कई मौके देखे होंगे, जो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे मनीष सिसोदिया या संजय सिंह, तमाम जो बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो इसी तरीके से हनुमान मंदिर आते रहे। प्रोड्यूसर की चेतन के साथ जितेन भाड़ी, टीम ने भाषा दिल्ली।